हेलो फ्रेंड्स, फाइनली एक बहुत इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव जिसका हम सभी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली आउट हो गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेलवे आरआरबी के एएलपी और टेक्नीशियन के रिक्रूटमेंट की, जो कि 26,500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज पे रिक्रूट कर रहे हैं। इस बात की चर्चा हमने अपने टेस्ट बुक ब्लॉग पे कुछ दिनों पहले ही की थी, जो कि अब ऑफिशियली कन्फर्म हो गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं रेलवे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियंस के एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज और अदर डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में। नोटिफिकेशन के कवर पेज पे सारे अलग अलग आरआरबीज दर्शाए गए हैं और रेलवेज ने बहुत ही मेटिकुलसली और ध्यानपूर्वक ये नोटिफिकेशन दी है और सब इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से स्पष्ट करी है। इस बात का एक उदाहरण है एग्ज़ाम डेट्स। एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं, अप्रैल या मई में इसका एग्ज़ाम होगा। ये पहली स्टेज है रिक्रूटमेंट की। कुल मिला के एएलपी सिलेक्शन प्रोसेस में 4 स्टेजेस हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलते हैं वैकेंसीज की ओर। तो आरआरबी, एएलपी और टेक्निकल पोस्ट के लिए कुल 26,500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन्स और कैटेगरीज के लिए वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हैं। इस टेबल को समझने के लिए, डाउनलोड करके रखने के लिए और ज़्यादा डिटेल लिस्ट देखने के लिए आप टेस्ट बुक ब्लॉग पे भी जा सकते हैं। हालांकि वैकेंसीज के आर्टिकल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट्स हों समझने में तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या टेस्ट बुक डिस्कस पर इससे रिलेटेड डिस्कशंस ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए। तो आपकी एलिजिबिलिटी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली है एज लिमिट। तो आपकी मिनिमम एज दोनों पोस्ट के लिए 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी में है तो 3 साल की और पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल की रिलैक्सेशन है। इसके अलावा जो डिटेल्स एज रिलैक्सेशन की हैं वो आप टेस्ट बुक ब्लॉग पर जाकर डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। दूसरी क्वालिफिकेशन जो आपको एलिजिबल बनाती है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट के लिए आप अगर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे तो आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपने SSLC प्लस ITI कोर्स किया हुआ होना चाहिए या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी सारी सब पोस्ट के लिए भी है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन या सिग्नल के लिए अप्लाई करने के लिए इन सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा अगर आपके पास बस 10+2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ पास किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको मीट करनी है, जैसे कि आपका डिस्टेंस विजन 6x6, 6x9 या 6x12 होना चाहिए और आप जनरली फिट होने चाहिए जिससे कि आप डे टू डे की ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी कुछ हाइलाइट्स रेलवे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियंस के नए रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए, जो 26,000-26,000 वैकेंसीज के लिए रिक्रूट कर रहा है। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए हुए कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या फिर अपने डाउट्स टेस्ट बुक डिस्कस पर पोस्ट कर सकते हैं। टेस्ट बुक के यूट्यूब चैनल से ट्यून रहिए ताकि आप इस रिक्रूटमेंट के हर अपडेट्स को जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।